जुमे वाले दिन जी उन्होंने 1:30 बजे सानू डॉक्टर ने यह कह दिता कि बच्ची थोड़ी की डैथ हो गई है। केड़ी खबर है सर जी? ये ओले ओले। अच्छा, कह रही है कि अम्मी जी मैं जिंदा, मैनू कबर चो कढो। कल भी गए, आवाजा दे रही सी, अम्मी जी तुसी क्या शोर पाया, मैनू कबर चो कढो। विदाउट परमिशन करी, कहीं दी प्राइवेसी लीक नहीं कीती, धड़क के कब्रिस्तान दे विच। अच्छा, ये जैंदी है बच्ची था दफन थई हुई है तो उंदा ए खा रहे है पिया, और सामने पुलिस दा डाला भी खड़े थिया। थानू की लगदा कि बच्ची थोड़ी जिंदा है? जी बच्ची मेरी जिंदा है, बिल्कुल साफ आवाज आ रही है। ਅਸਾਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜੋ ਹੀ ਅਸਾਂ ਕਰੀਬ ਆਉਂਦੇ ਪਏ। ਓਏ ਓਏ ਪਰਾਂ 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 ਉੱਡੇ 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 ਨਿਕਲ ਆਏ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਸਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਸਵੇਰ ਲਾ ਕੇ ਖੇਡਦਾ ਵਾ। ਚਲ ਬਾਹਰ 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 ਚਲ ਬਾਹਰ ਚਲ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਬਸ 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 ਬਸ, कुछ नहीं आते, कुछ नहीं आते। वाह 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 वाह। अस्सलाम वालेकुम, हम क्या टिके हुए तबे से टिके मैं। हाँ मोहम्मद शहजाद सुन दे पो यूट्यूब चैनल वेला मुंडा सारे घर ए मेहमान आया वदावे, लेकिन हूँ दू त्रै दी वारा ते वदा रह गया असें को बर्दाश्त किते, हूँ वेंदा नहीं पीछे मजबूरी जबरदस्त असें को कढ़ दे पए। वंजो सही व्यूअर को असें क्या दें, एक सरेके च सा दें जहा, क्या दें जहा, लेकिन ये पंजाबी च कंडे वाला चूहा आ दें, कंडे वाला चूहा। चल 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 मजेदार वीडियो टाइम थी पे 9:33 सुबह का, माशाल्लाह वेदर बहुत अच्छा है पिया। अच्छा डाडे आमदू तो घर नहीं वेंदा, मैं इधे वेंदा पिया, इधे वेंदा पिया। चलो चला जा चला जा। वो स्पीड ले वेंदा वे, वो वो पहुंच गए वे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आओ अबू, असा नाश्ता पहले करने हैं पीछे मेहमान। अब्बा दा पहले नाश्ता असा करने हैं पीछे मेहमान दा। आज दा साडा नाश्ता है वे पिया रस ते चाय। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर खाने तो आओ, पहला चाक तो समारो ते वल्लू जा समरे सा ना, तो मैं खाना पिया। मजेदार माशाल्लाह। नाश्ता करने दे बाद एक मैंगो खाने। फाइनली व्यूअर मैं धान धो के तैयार थी चुका, फ्रेश थी चुका, और हुने हुने ना मैं एक बड़ी अजीब जी खबर मिली है। ये खबर तुसा सुन सो था थोक भी हैरत थी सी, हैरान थी वैसे तुसा। खबर क्या है कि मेरा हमसाया शहर है पिया फतेहपुर, फतेहपुर दे वेचना मैं एक मेरे दोस्त ने कॉल की थी कि शहजाद भाई सारे इतना कब्रस्तान दे वेचना एक लड़की को दफनाया गया कब्रस्तान दे वेचना कब्र दे वेच, लेकिन उन्दे चंद रोज दे बाद उन कब्र वेच ना आवाज आने आवाजा आनिया पैन, ते हाले तक कब्र कुशाई की कोई नहीं, लेकिन वादे पैन असा कब्र कुशाई करने का सोचेंदे खड़े पैन। तो मैं सुन के बड़ा हैरान थी गया, बोलो उन्होंने मेरे को एक वीडियो सेंड की, उन्हें कि देखो मैं तुमको वीडियो सेंड कराना पिया, वीडियो देख सो ना तो कब्र दे विचों आवाज आनिया पैन, तो मैं तुमको वीडियो दिखाना, पहले वीडियो देख गिनो। देखें सब भाइयों से गुजारिश है कि ये कब्रिस्तान में एक कब्र में से आवाजें आ रही हैं, एक कब्र के ऊपर हाथ रखी खड़न और कब्र के विचों आवाज आने पैन, तो मैं ये गल उनकी मनी कोई नहीं, मैं कि यार ये पॉसिबल कोई नहीं ये चीज़ ना, उन्हें आखिर शहजाद भी अगर तुसा नहीं वे मने तो तुसा खुद लगे हो आगे तुसा देख गिनो, तो मैं कि ठीक हो गया मैं आंदा पिया, मैं फ्रेश थी गया तैयार थी चुका और असा हूँ रवाना थी पे फतेहपुर दो, फतेहपुर साढ़े ज़्यादा दूर कोई नहीं, सिर्फ 60 किलोमीटर दूर है पिया, 1 घंटे का सफर है, तो असा इंशाल्लाह 1 घंटे बाद फतेहपुर पहुँचते हैं, खबर फतेहपुर पहुँच के उस कब्रस्तान पहुँचते हैं, उस कब्रस्तान पहुँच के बाद उस कब्र ते गोल जोल के वीडियो बनाने, थोक भी दिखाने दसेने जी दर हकीकत है, थोक मैं व्यूअरों को दसेसा कि क्या वाकया कब्र चो आवाज आंदी पिए या कोई ना, या ये फेक वीडियो है पिया, जी हकीकत है थोक जोल के दसेने, और तुसा अजन तीन अगर सारे चैनल को सब्सक्राइब कहने भी किया, जल्दी जल्दी सारे चैनल को सब्सक्राइब कर गिनो, क्योंकि सारे चैनल उत्थे ऐसा इलाके वसेब ज अपडेट्स आया रहा, अगर तुम मजीद अपडेट्स देखना चाहते हुए तो सारे चैनल को हर हाल सब्सक्राइब कर गिनो। बस रवाना थी रेडी भाई, खाना खा के दे, खा के दे। ओके आओ जिलू, नाश्ता भी सारा थी चुका है, एक घर बर्तन देख नु बस रवाना थे पे। अच्छा अमी असा असा फतेहपुर वेंदे पे अब होनी गुड साया चा असा वल लेना, ठीक है अल्लाह हाफिज। उठा ना वीडियो बनाउन वेंदे पे, उठा ना सब गुड सेने भाई, हुन पता नहीं है सच है झूठ है कंफर्म कोई नहीं,
उत्थे आखने कि उत्थे कब्बर च लड़की को दफनाया ने तो उन्हें चांदनी बहारा बहार कब्बर च आवाज़ आती है ना तो मैं मैं आंदा पाया उ मैं वीडियो बनाना और देखा कि क्या सच है झूठ है। वैसे आदमी उत्तर काफ़ी सारी पब्लिक भी इकट्ठी है भाई तो मैं कैसे मान के देखा ने क्योंकि नज़दीक है फतेहपुर एक घंटे का सफर। बैटरी लो थी वे तो पावर बैंक होना लाजमी है तो बैग पे लेकिन पावर बैंक नहीं लगता पिया। ये रहा पावर बैंक, ये रहा इसी को ढूंढ रहे थे। बस आहा खुशबू बन गया गड्डी च फुल खुशबू आंदी पे प्यारी प्यारी महक आंदी पे खुशबू ही जवान है खुशबू ही आदे गड्डी जो स्मेल ना आवे फायदा हां फिर पॉजिटिव आवे हां जी ता तक भी ना को तो पता है जी ता है हां उन पता पे जिन्नी खुशबू न होवे गड्डी सब कुछ आसनी है हां जी ता अगर वाकया कब्र च आवाज आंदी पई होई जिमे कि दसेंदे पेन जो तो वीडियो दे डिठा है। अच्छा बाद टाइम ना वीडियो फेक भी होन वाला साना काफ़ी लोग आने जो फतेहपुर के हैं उन्होंने कॉल करके असा उन्होंने वेरीफिकेशन की से कि यार वाकया कब्र चो आवाज़ आँदी पी अस जैकू कॉल की ना उन्हें जी हाँ वाकया कब्र चो आवाज़ आँदी पी मतलब पांच तो छह बंदे को वेरीफिकेशन की से पांच के छह ने आखिया कि वाकया कब्र चो आवाज़ आँदी पी लेकिन मेरा दिल नहीं मने था उन्होंने आखिया मैं असा देख सा तो वल मने सा। वैसे तो व्यूवर मौत बार हक है भी हर बंदे ने कब्र वजना और मौत का जायका चखना लेकिन जींदे जी जड़े ना बंदे को कब्र च वहनिया डर लगता है खास तौर पर अपनी गाल करा। वैसे तो नॉर्मल कबर के उत्ते वेंदे रहने हैं नहीं डर लगता लेकिन कि जिम्मे इनकी सिचुएशन दस पैन ऐसी कबर के उत्ते वजन से मेरे को डर लगता है तो मजीद तुस दुआ करो इन्हें और बारिश हल्की हल्की शुरू भी थी गई सामने भी और तेज बारिश सामने तेज बारिश आ गई तेज बारिश भी शुरू थी गई असा हूँ ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं सकते और गड्डी को स्पीडो स्पीड अपने ने फतेहपुर खैरियत नाल बनी अच्छा असम रश किन्ना है हाँ जी शहजाद भाई नाल ने लेकिन तू कब्रस्तान जा बाबा टलां वाले दरबार से या किसी को भेज उ मैं पता करके कन्फर्म करके दस भी उत्थे रश किन्ना है तो की सूरत हाल है असि भी आ रहे हैं। मजीद व्यूवर सारे सुनने च है कि उत्थे काफ़ी ज्यादा रश भी है पिया पब्लिक इकट्ठी है उत्तर तो मेरा सस्पेंस जोड़ा ना वो मजीद वधदा वेंदे कि यार क्या वाकया इन पॉसिबल है पिया व्यूवर तकरीबन अस 15 मिनट का सफर कर रहे हैं और रस्ते में दिखे ना रस्ते बहुत वाला एक्सीडेंट थे पे अल्लाह माफ़ करे इन ड्राइवर इन बंदे जड़े ना वो बच गए होवन ये देखो यार ये देखो ये ट्राला है पाया मेरे को लगता है जवान को ना नींदा रही है ना ये रोड है पे तो सीधा सीधा आंदा आंदा ना इतना नींदर जो आई है तो मेरे को लगता इतना आके ट्राला कल्टी थी गए ये कड़ा ट्राला डीजल वाला कड़ा है साइड तो देखो कंटेनर है ना कोई ये देखो अल्लाह करे इन ड्राइवर की सो मान है चौवन कोई उन्हें कोई नुकसान न थे होगा उन्हें ये देखो कंटेनर है ना ये देखो बिचू है ना डिंगा ठीक है। अस्सलाम वालेकुम छोटे भाई बचाओगे नींद आ गए सनोबर नहीं है भाई सनोबर जी उसने इधर साइड थोड़ी दबी अच्छा साइड बचाओगे ना नहीं। सब ठीक कहाँ से हो जिलाटक से हो चलो अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। वो आधे पैन के कोई सनोबर गड्डी जड़ी होती ना सनोबर उन्हें साइड घुटी है और साइड घुटन की वजह तो ना सा ट्राला कल्टी थी गए चलो दसें पेन सारे हिफ्ज़ो अमान च अल्लाह पाक इन्हें मजीद ही अपने हिफ्ज़ो अमान च रखे। ज्यादा टाइम अस इतने रुकते और अपने मंजिल तो जुलते पे ऐसा व्यूवर चौकाजा में पहुंचे खड़े और चौकाजा में सामने अगर मैं जो जूम करके दिखाए
तालाब बने खड़ा कम से कम इन जे तक नजर पे दिए पानी पानी है पे ना जे तक नजर में खड़ा ज़ूम करके दिखावा ताको पूरे देखो ये जे तक तो नजर में रेसो ना सामने पानी ही पानी है पे ता साडी शॉर्टकट गली तो वेंदे पे ना फाइनली व्यूअर असा तकरीबन एक घंटा सफर करने के बाद पहुंच चुके हैं सिटी फतेहपुर और हुन रवाना थे पे कब्रस्तान। फाइनली व्यूअर असा कब्रस्तान च पहुंच चुके हैं और जो ही असा करीब आंदे पे मेरे दिल का धड़कना जड़े ना तेज थी ना एक खंभा क्रॉस करके ना अगो कब्रस्तान ही पिया तो जो जो टाइम जो थींदा वेंदे त मेरा धड़कना तेज वो सामने कब्रस्तान नजर आंदा पे और सामने पुलिस का डाला भी खड़े थिया तो जो के पहले रूल्स के मुताबिक पुलिस को मिलते हैं और पुलिस को परमिशन घिन के हर पास कब्रा ही कब्रा है नबिया और मेरे को लगता है पुलिस वाले भी उससे कब्रा के कोलो ही खड़न थे सामने पुलिस दा डाला खड़े थे और एक पुलिस ऑफिसर भी खड़ा है थिया। जी भाई जान मलिक साहब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह तू ठीक हो सेहत पे ठीक जी जी अल्हम्दुलिल्लाह हर बार खैर जबरदस्त तू सुनाओ गाड़ी पीछे थोड़ी करके ना गप लांदे जी जी गाड़ी करना पे मैं साइड कर ठीक हो जी जी परमिशन घिन के कानून को फॉलो करेंदे होया अगर साको परमिशन मिलसी तो थाको दी कवरेज दिखाएसू अगर परमिशन ना मिलसी तो कवरेज को दिखाएसू तो इतना जो सिपाही हजरात बैठे उन्होंने हुक्म थी है कि भाई तुम सारे एस एच ओ साहब कने परमिशन गिनो अगर एस एच ओ साहब परमिशन देन तो तुम कवरेज कर गिनो वीडियो बना गिनो तो असं एस एच ओ साहब को कॉलिंग करेंदे बैठे हैं फिलहाल एस एच ओ साहब कितने बिजी हैं पे शायद जिस वजह सारी कॉल पिको नहीं करेंदे पे और जो ही साकू परमिशन मिलती है इजाजत देन एस एच ओ साहब वाला सा कवरेज दिखाने कमेंट्स जो पब्लिक भी तो छुड़वे ने शुक्रिया सर तकल्लुफ किया वे बहु मेहरबानी जेडे सिपाही हजरात बैठे थे उन्होंने बहु रिस्पेक्ट और प्यार दिता है और उन्होंने खावण किते सेब और पीवण किते पानी दिता है सर लव यू थी गया बहुत शुक्रिया सर मेहरबानी थोड़ी जैदी फोत की थी जैदी बच्ची इतना दफन थी हुई है तो उन्हें ये खा रहे पिया असा जुलते पे उस घर के जी उनकी वालदा है पी लड़की की जैदी आदन कब्र आवाज़ आती है तो असं जुल के उसकी वालदा के बयान गिनते हैं उतनी देर चला करे सको एस एच ओ भी परमिशन दे रहे सन उस तो बाद जड़े ना अस कब्र जुल के बनेसू और उतो कन्फर्म करे सू क्या वाकया कब्र आवाज़ आती है या कोई ना तुम इस इलाके की रिहायशी वे रिहायशी है कितना घर 7 किलोमीटर है साडा दूर तुम क्या सुना भाई थो क्या सुना असा सुनया ये बर लाए आज इलाके तो ना मतलब थोड़ा दूर थी इहा गल सुन के और कब्रस्तान वेंदे पे यह चीज़ कन्फर्म करन चलो तुसें कन्फर्म करो जी अपडेट थोड़ा मिलती है इस वाले घर के कन्फर्मेशन गिनते इन्हों की लड़की है ना उन्होंने सामने घर खड़े वे थे तो असं इन्होंने को पुछते हैं भाई फैमिली मैंबर क्या आदि कि क्या थोड़ी लड़की जिंदा है या उन्होंने क्या माइंड इन पे क्या कमेंट्स इन पे तो इन्होंने को पुछते हैं अगर वो भी सबको परमिशन देवें तो क्योंकि थोड़ा पता है व्यूअर मैं विदाउट परमिशन करें कहीं की प्राइवेसी लीक नहीं की सर उन्होंने इजाजत है इजाजत है नहीं भाई इजाजत है भाईजान इजाजत मिल चुकी है सबको परमिशन मिल चुकी है अस्सलाम वालेकुम जी क्या हाल है ठीक हो खैरियत है जी मिजाज से ठीक है माजी ट्राई किया तुसी पंजाबी हो जी पंजाबी हो अच्छा ते उस असें सुनया कि भाई कहंदे ने कि कब्र चो आवाज आ रही है की तुसी की वेख्या की असी पहले ते जी खड़कार सुन रहे हैं विचो कब्र चो जी अच्छा आहार आंदी रही है उस बाद जी हुन कल दी बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है मेरी बच्ची दी थानु की लगदा कि बच्ची थोड़ी जिंदा है जी बच्ची मेरी जिंदा है बिल्कुल साफ आवाज आ रही है अच्छा कह रही है कि अम्मी जी मैं जिंदा मेनू कब्र चो कढ़ो कल भी गए आवाजा दे रही थी अम्मी जी तुसी क्या शोर पाया मेनू कब्र चो कढ़ो अम्मी जी मैं जिंदा मेनू तुसी क्या शोर पाया मेनू कढ़ो अच्छा ये तुसी खुद सुने हां जी असी खुद सुने है गल अच्छा वो बच्ची मतलब कहंदी है कि तो पांदी मैं जिंदा मत मेनू बाहर कढ़ो जी मेनू बाहर कढ़ो कि तुसी क्या शोर पाया इतना मेनू बाहर कढ़ो मैं जिंदा अच्छा किन्ने दिन हो गए ने उनु दफनाए नु उनु दफनाए ने जो आज 29 दिन हो गए ना आज 29वां दिन 29 दिन हो गए ने 29 दिन मतलब एक जानदार चीज जी या जानदार इंसान बगैर खादे पीते 29 दिन कब्र दे विच ते नहीं रह सकदा की कहंदे हो पैन के बच्ची मेरी सी बीमार अच्छा ससुराल वाला कोल सी जी ओदे नाल पहले भी जासियां होईयां ने
अच्छा शादीशुदा सी लड़की जी। मैं जी बेवा औरत है। अच्छा। मेरा बड़ा बेटा है गुंगा खड़ा है जी। ठीक है। मेरे बच्चे छोटे छोटे ने। अच्छा। एक बच्ची दे मैं निकाह किया सी। ठीक है। ठीक है जी। इस बच्ची जड़ी नाल मेरा वाकयात बनी है जी के बच्ची को मां चले गई है थोड़ी। अच्छा। बच्ची दा जी बस तुसी सदका खराता जारी कर लो बच्ची दिया अपना है तुसी दुआवा कराओ के बच्ची थोड़ी कोमा च है। अच्छा बच्ची थोड़ी कोमा चली गई जदों हॉस्पिटल दे विच। हां जी ठीक हो गया निस्तर विच और कोमा गई। 3 दिन उते कोमा च रही है। चौथे दिन जुमे वाले दिन जी उन्होंने 1:30 बजे ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬੱਚੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀਏ ਪਹੁੰਚਿਆ ਘਰ ਸ਼ਾਮੀ 6 ਵਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਟਾਈਮ 6 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਲੱਗੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਬੱਚੀ ਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 4 ਪਾਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੀ ਪਾਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਂਦੀਏ। 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਆਹੜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਕਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਪੜਨ ਵਾਸਤੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਜੀ 2 ਟਾਈਮ ਬੱਚੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਹੜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਬਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਰਾਨ ਖਾਨੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕੁਰਾਨ ਖਾਨੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਸਬਰ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਸਬਰ ਰਾਣੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਕੇ ਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖੜਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਮਤਲਬ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੜਕਾਰ ਆ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੜਕਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਠਾਨ ਚੌਥੀ ਕਬਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਚੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਕਬਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਬੱਚੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਜੀ ਅਜਨਬੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਸਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜੀ ਅੱਜ ਬੱਚੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮੀ ਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੰਮੀ ਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢੋ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ? ਜੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਗਈ ਹਾਂ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਨੇ ਹਲਫ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਬਰ ਕੁਸ਼ਾਈ ਕਰੀਏ? ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਕਬਰ ਕੁਸ਼ਾਈ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਭਾਈ ਹੀ ਵੇ ਪਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀਏ ਜੀ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਸੁਣੀ ਸੀ। ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਚਾਚੂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਚਾਚੂ ਵੀ ਵਾਪੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਅੰਮੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਬਰ ਕੁਸ਼ਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਗਏ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਆਏ ਨੇ ਪਿਆ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ 8ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਰੋਜ਼ ਮਾਈ ਰੋਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਾਈ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬੇਹਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭਲਾ ਕਰੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਬਰ 'ਚ ਪਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਕੋਈ ਮਾਂ ਭੈਣ ਆ ਗਏ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਰਾ ਬੇਜ਼ਬਾਨ ਆ ਅਸੀਂ ਮੰਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਵੀ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫੋਤਕੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਾਈਨਲੀ ਵੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਾਲਦਾ ਦਾ ਕਮੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦਿਓ ਸਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਆ ਸੋਚਦੇ ਵੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਲਿਵਾਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਲਾ ਅਸਾਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਹਲੇ ਬਹਿਨੇ ਔਰ ਉੱਥਾਂ ਵੰਜ ਕੇ ਹੁਣ ਮਜ਼ੀਦ ਅਸਾਂ SHO ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਲ ਦੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਗਿੰਦੇ ਅਗਰ ਉਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜੋਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬਰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣੇ ਔਰ ਕਬਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੁਦ ਰੁਕ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਦੱਸਿਆ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਿ ਵੀ ਕਬਰ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਜੁਲ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਕਿਤਨੇ ਪਬਲਿਕ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇਕੱਠੇ ਦਾਏ ਖੜੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਕਬਰਸਤਾਨ ਇਹ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਖੜਨ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਪਈ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਾਰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਖੜਨ ਤੇ। ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਕਿ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਕੋ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਔਰ SHO ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸਾਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਅਸਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਗੇਨ ਕੀਤੀ ਸਾਥ ਕੋ ਅਲਾਉ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਕਿ ਅਸਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਗਏ ਨੂੰ ਸਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਹ ਨਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਛੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕਿਹੜੀ ਕਬਰ ਹੈ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਓਰਲੀ ਓਰਲੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ ਅਸਾਂ ਸ਼ੂਜ਼ ਪਿੱਛਾ ਲਹਾ ਦੇਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ ਬੇਰਮਤੀ ਨਾ ਥੀਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਕਬਰ ਹੀ ਵੇ ਪਈ ਇਸੇ ਕਬਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਊ ਵੱਧ ਪਏ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਕਬਰ ਹੀ ਵੇ ਪਈ
मतलब एक पहले मैं धड़कन जी तुसा के ना धड़कन महसूस थी, मैं हाथ रखी बैठा, मैं को तो फिलहाल कोई धड़कन मैं को महसूस कोनी थी दी पई। मैं को तो महसूस कोनी थी दी पई नहीं थी। मैं दोबारा सुनदा एक बारी, आवाज महसूस हुई नहीं शहजाद पे बिल्कुल कोई आवाज नहीं सर। मैं तो मतलब है कि कान भी ला के बैठे, हाथ भी ला के बैठे, मैं को तो बिल्कुल कोई आवाज ही नहीं, आवाज है ही नहीं। अच्छा व्यूवर, मैं जी वीडियो दिखी कम अज़ कम इतना उस वीडियो दे वेच 200-250 बंदा उसे करो वीडियो मेरे को मौजूद हुई तो मैं तक साइड तो चला रहा तो वीडियो देखो उस वीडियो दे वेच साइड तो काफ़ी ज़्यादा पब्लिक है पी और सारी पब्लिक सुनती पी और देती पी क्या आवाज़ आती पी लेकिन एक मैं को इंदे च मैं खुद जो ना जाति ओपीनियन जो है पे मेरा मैं खुद ना ही आवाज़ बिचू सुनीए और कुछ हद पेन के बिचू धड़क की आवाज़ आती है जिमें हार्ट बीट आती है तो हार्ट बीट भी बिचू मैं को महसूस कौन नहीं थी और कल मैं खुद नहीं सुना मैं कि शायद मैं को गलत फहमी थी संगती है बल थोड़े सामने काफ़ी सारे लड़के इतना मौजूद हैं उन्होंने मैं तुसा सुनो तो उन्हें भी सुने उन्होंने कोई आवाज़ नहीं आई और उन्होंने भी कोई हार्ट बीट महसूस कौन नहीं थी। मजीद इन्हें को कमेंट कहने थोड़े सामने भाई तुसा सुने नहीं बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं सी है तुसा थोक आवाज़ आई थोक आवाज़ आई नहीं भाई तुसा भी सुने बिल्कुल नहीं लेकिन इतनी पब्लिक इकट्ठा थी होने का मकसद समझ को नहीं आता कि रात भी तकरीबन इतना 250-300 बंदा आई पुलिस ऑफिसर दसेंदे पैन और इतों के मकामी मैं दसेंदे पैन कि यार इतना काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हैं पे लेकिन मैं को समझ नहीं कि इतने इकट्ठे क्यों हैं पे आखिर क्या वजह है। हाँ अलबत्त जल एक खबर सुनता है ना बंदा कि यार कब्र चो आवाज़ आती है तो बंद सस्पेंस पैदा थी बंदा सोचा कि यार मैं खुद ही वजा और खुद वन के ये सुना देखा जिमें कि मैं इतना सफर करके खुद आया और थोक सुनवा मन आया तो यह भी पब्लिक कई बदी है इडू ये भी पब्लिक है पी और इस साइड तो ये पी हालांकि ये पुलिस के रोकन के बावजूद भी इतने लोग हैं पैना तो कल जल्द पुलिस की रुकावट भी कोई नहीं तो दस पेन बहुत ज्यादा रश है पे आई तो सर थैंक यू सो मच बहुत अच्छा लगे तुम मुलाकात करके और तुम परमिशन दी है बहुत बहुत शुक्रिया नवाजिश सर शायद जल्द वो सुनते खड़े उले आवाज़ आँदी हो सी लेकिन जल्द असा इतना कान ला के सुने से सा कोई आवाज़ कोई आई तो मजीद तुसा इसके मतलब क्या सोचें देवे अपनी राय कमेंट दसो ये सामने ये भी पब्लिक खड़ी इतनी ये भी आँदी पी वो देखो वो बंद आने पेन यो कन्फर्म करना आते पेन क्या वाक्य आवाज़ आँदी कबरे चु या कोई ना। शहजाद भाई मैं आपका फैन हूँ और मेरा दोस्त भी आपका व्यूअर है। क्या नाम है उसका? हसनैन। अच्छा माशाल्लाह उसको भी मेरे सलाम देना ठीक है। ओके हो गया। हसनैन भाई आप इसके दोस्त हो, आप मेरी वीडियो देख रहे हो गए, आपको भी लव यू हो गया। ये तो मेरा प्यारा छोटा भाई है ना भतीजा है मेरा। व्यूअर था को याद हो सी जल्द ऐसा वह पैसे ना मतलब एक ट्राला कल्टी थी आप यहाँ ये मशीन ही खड़ी और ये ट्राले को सीधा की थी खड़े जो वह ना कल्टी थी आप यहाँ। अलहमदुल्ला खैरियत नाल अपने घर पहुंच चुके हैं और आज दी वीडियो का कमने थी एंड तो वीडियो तक सारे जुड़े अच्छे लगे सके सारे जुड़े अच्छी लगी है सारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो तो मिस इंशाल्लाह नए वीडियो नाल तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ बाय।